प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर मचे घमासान के बीच दो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंची। पहली ट्रेन केरल के एर्नाकुलम से व दूसरी थिरूर रेलवे स्टेशन से चलकर दानापुर स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची। इसके लिए पहले से ही पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट थे। प्लेटफॉर्म पर ही सैनिटाइज व स्क्रीनिंग की उचित व्यवस्था की गई थी। अर्नाकुलम में 1167 पैसेंजर हैं और तिरूर के ट्रेन में 1143 पैसेंजर्स हैं, जिसकी सूची प्राप्त हुई है। और ये ट्रेन पहुंचने के बाद उन सभी पैसेंजर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाएगी और उनसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त किया जाएगा और उसके बाद उनके संबंधित बसेज में बैठा करके उनको संबंधित जिले के लिए भेज दिया जाएगा। मजदूरों ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें यहाँ तक आने के लिए 910 रुपये का टिकट कटाना पड़ा। रास्ते में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। खाने से लेकर पानी तक की उचित व्यवस्था रेलवे द्वारा की गई थी। टिकट का पैसा लगा? 910 रुपीस। हाँ, टिकट लगा। कितने का टिकट लगा? 910 रुपए का। चावल दिया, एक बोतल पानी दिया, उसके बाद केला दिया, केरला में रोटी दिया। हालांकि आज सुबह जैसे ही मजदूरों से टिकट लेने की बात मीडिया में फैली कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच घमासान मच गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि मजदूरों से जो रेल किराया लिया गया है उसे राज्य सरकार देगी, इसके अलावे उन्हें अलग से पैसे भी दिए जाएंगे। उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया, वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से, और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात की घोषणा कर पीठ थपथपा रहे हैं कि मजदूरों को वह रेल किराया दे देंगे, लेकिन कोरोना संकट के बीच मजदूरों से टिकट का किराया लेना कितना उचित है, शायद राजनीति का तकाजा यही है। पटना से कैमरामैन समर कुमार डे और प्रेम शंकर सिंह के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।